Insider! जावे कचिया कड़िया तेरा की में करा एतबार जावे कचिया कड़िया तेरा की में करा एतबार तू इश्क समंदर की तरना तू इश्क समंदर की तरना तू दो छलांदी मार जावे कचिया कड़िया तेरा की में करा एतबार काबले गौर शेर चोई साहब मैं कह तो कमाल कर दिया भाई वाह जिन्ने प्यार तेरे नल पाया उस नाल तू वैर कमाया सोनी रोड छला विच आया अपने आप नु पार तू लाया तू हाथ किसे दा की फड़ना तू हाथ किसे दा की फड़ना तू डोबे अद विच कार जावे कचिया कड़िया तेरा की में करा एतबार क्या बात है यार अरे बस यार कभी गुरूर नहीं किया यार बस गुरूर कभी ना नुकसान हो वैसे यार एक बात है क्या ये बंदा है बड़ा अच्छा और जब से मैंने रखा ना इसको पता है मैं काम क्या करता हूँ शाम को इसकी चारपाई घर के दरवाजे के आगे लगा देता हूँ अब गांव में कभी कुत्ते की आवाज सुनी है नहीं हाँ ये इसकी वजह से अच्छा कुत्ते इसकी शक्ल देखते हैं भाग जाते हैं सारे चौधरी साहब इसकी शक्ल क्यों देख के भाग जाते हैं भाई वजह ये है कि खौफजदा शक्ल है ना बाकी मुझे भी खौफ आपको डर नहीं लगता ओ यार मैं देखते नहीं इसकी तरफ इसलिए मेरे घर वालों ने कहा है उन्होंने कहा कि अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये अंदर आएगा बच्चे बेहोश हो जाएंगे तो ये अंदर नहीं जाता साहब आज आप पता क्या हुआ सुबह मेरे साथ अब मैं जाता हूँ ना वो माजे के पास नाश्ता कर रहे वो कौन सी नई बात है चौधरी यार ये बात नहीं है बात ये खुलूस की बात होती है अच्छा। वो प्यार करता है मुझसे मैं एक दिन ना जाऊँ ना तो वो कहते हैं चौधरी साहब क्या बात है आप आए नहीं चौधरी साहब एक बात है हाँ हमारी चौधरानी भी तो आपको रोटी नहीं ना देती और नहीं और नहीं और यार ये बात नहीं है भाई ये बात नहीं है अच्छा बात ये है कि वो जो है ना वो प्यार करता है मुझसे माजा वो बेचारा कहता है जी चौधरी साहब आप जैसे नेक आदमी सुबह आ जाते हैं ना तो मेरी रोजी बड़ी अच्छी हो जाती है कमाई बढ़ जाती है चौधरी साहब नेक है ना ना तुम्हें एतराज है मेरी कमाल ये क्या बात है नहीं सर आप माशाल्लाह सुबह पता क्या हुआ क्या सुबह मैं जब जा रहा था नाश्ता करने मैं घर से निकला अच्छा ये बाहर बैठा हुआ था अच्छा मुझे कहते चौधरी साहब आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा नाश्ता और मैं कहूँ खुलादा वास्ता है यार क्या हुआ तुम्हें कहते नहीं जी मैं भी जाऊंगा अच्छा ओ, मैं चला गया माजे की दुकान पे अच्छा ओ माजा मैं दुकान के करीब पहुंचा हूँ माजा छलांग लगा के जरा ओ मेरे को माजा बात सुन क्या हुआ वो इसकी तरफ इशारा करता है क्या मैंने क्या हुआ मैं नौकर है मेरा कहता नौकर है ये मैंने कहा हाँ भाई कहता मैं ये समझा कि कब्र में से कोई मुर्दा उठ के आ गया आपकी रूह निकालने के लिए वो मैंने कहा नहीं यार है तो अल्लाह की मखलूक ना अब शक्ल इसकी ऐसी है तो इसमें इसका क्या कसूर नहीं नहीं अल्लाह ने बनाई है हम कौन होते हैं हम कौन होते हैं इसकी शक्ल बैठे थे खैर गपशप लगाई इसका तारुफ मैंने कराया मैंने कहा बड़ा अच्छा आदमी है यार बहुत शरीफ आदमी है उसके बाद ये हुआ जनाब के वो करीमो आ गया अच्छा 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 वो क्रीमो वो लंगड़ा जो हाँ वो लंगड़ा जो है अच्छा वो तेरा तो यार है ना हाँ बस मेरे हाँ तेरे ऐसे लंगड़े लूले सारे तेरे यार है ये क्या कह रहा है कहता है उसके पैसे देने हैं उसने नौकर है तू और सीधे तुझे क्या हुआ है ओ गाना गा के तू बिल्कुल खत्म हो गया है मैं खत्म क्या हो गया मुझे लगता है आप एक जगह से ही थके हैं वो एक जगह भी दुबारा है
बस देख ले यार। ओए चौधरी साहब की दूसरी टांग कोई नकली है? ये एक ही टांग पे लगा हुआ है। तो बात पते क्या, ये तुम लोगों की बातें सुन रहा है तो हाँ वो मैं बता रहा था, वो करीबू मुझे पकड़ के ले गया घर अपने। अच्छा, मैंने कहा यार क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें? कहता है जी ये मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते। मैंने कहा बात ही कोई नहीं है, बुलाओ उन्हें। अच्छा, उसने दोनों बच्चों को बुलाया, मैंने इसको सामने कर दिया। अच्छा, उन्होंने देखा जनाब तो वो तो, मैंने कहा ये बंदा मैं इसलिए लेकर आया, बंदा नहीं यार ना, ये हाँ, हाँ, ये हाँ, मैं बंदा इसको क्या गलती होगी मुझसे। मैंने कहा ये मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि जो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा ना ये उसको खा जाए। तो फिर उस बात बताऊ, दूसरे दिन मैं वहां से गुजरा, वहां से मैं गुजरा तो करीमू बड़ा खुश। अच्छा, वो मैंने कहा क्या हुआ? कहते जी 8 बजे का स्कूल था, बच्चे 7 बजे तैयार हो गए। जबरदस्त। फिर उसके बाद ओ मैंने कहा मैं इसलिए इसको रखा हुआ है, ये बड़ा लाजवाब आदमी है भाई। वो फिर वो बड़ा लाजवाब है। और चौधरी साहब फिर उसके बाद फिर वो आपको घर ले गया होगा, फिर आपने खूब खाबागिरी की होगी। फिर कोई बात देखो यार, इनको कौन समझाए? समझी नहीं। ओ यार बात सुनो, बात ये है भाई, मैं इस गांव का चौधरी हूँ यार। अच्छा अच्छा, लोगों के दुख दर्द में उठना बैठना, मैं चाहता हूँ पूछता हूँ, अगर किसी का कोई मसला मसाइल है तो वो हल करके आ जाता हूँ। एक साल हुआ ये चौधरी बने हुए, चौधरी नहीं है माशाल्लाह वो ही है। बासुन, आस्था बोला कर, अगर चौधरी क्या कह रहे हैं भाई, अपने बंदों से पिटवाएगा? चौधरी साहब मौला खुश रखिए, आप तो बहुत अच्छे जबरदस्त है माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या रोब है आपके चेहरे पर। आपका चेहरा देख के तो जनाब बड़े बड़े लोग रास्ता बदल जाते हैं। वो ये कहते हैं क्यों मेरा चेहरा इसकी तरह है क्या? नहीं नहीं, लोग कहते हैं ये बिठा लेंगे और आप वो कहेंगे जेब में जो कुछ है निकाल दे। हाँ ये बात तो है वाकई। आवाज भी आ गई, अगुवाई भी आ गया, अगुवाई आ गई है बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। तो यार ये है कि अब मुझे समझ नहीं आती कि लोग इससे डरते क्यों है यार। वो सर चौधरी साहब मैं बताता हूँ, इसलिए डरते हैं, इसको मारने का भी तो नुकसान है ना, कि कहीं इसे मारे और ये पुड़ुम करके मारी ना जाए बेचारा, जान तो बेचारे की इतनी है ना। ओ, यार पता है ये सुबह जो गया ना मैं माजे की दुकान पे, आप यकीन करना 4 नान खा गया ये कट्ठे 4। वो मेरा मुंह देखता है, मैंने कहा यार कोई बात नहीं यार, चौधरी साहब दोस्त यार, चौधरी साहब शुक्र करें 4 खाए हैं इसने, ये तो 10 नानों का एक थद्दा पूरा खाता था, इसलिए फिर भी यही हालत है। ये खाता है जाता कहाँ है यार, जाते ये नहीं पता, पता नहीं क्या करता है ये, कोई इसकी सेहत नहीं बन रही। कमाल है यार, मुझे समझ नहीं आती। नहीं मुझे एक बात बताएं चौधरी साहब, आप क्या इतने ज्यादा पैदल चल रहे हैं जो इतनी टांगे दबवा रहे हैं? नहीं अब मुझे समझ नहीं आती कि यार इसकी ताकत गई कहाँ, इतना खाने के बावजूद इसमें ताकत नहीं आ रही। यार बात सुनो, क्या एक बात है, बिस्मिल्लाह बोले, बदरू तो नहीं है? बदरू? हाँ कौन ये? या इस बात हो सकता है इसके साथ कोई ऐसी चीज लगी हो, अल्लाह का वास्ता, कोई अभी खाए लाड रहा है चौधरी साहब। नहीं मैं बात कर रहा हूँ यार के हो सकता है ये बदरू हो। अच्छा, अब ये रात में मौलवी साहब के पास जाऊंगा ना, हिसाब किताब करवाएंगे उनसे, मैं पूछूंगा जाके। अच्छा अच्छा, मौलवी साहब के पास भी आपने रात को जाना है माशाल्लाह। हाँ वो मैं जाता हूँ भी खाना। आपकी चुगलियां लगा रहे हैं, कह रहे चौधरी साहब मौलवी के पास जाते हैं, अल्लाह खैर करे, क्या बात है भाई, भाई मैं मौलवी के पास जाता हूँ, एक बात मुझे बताओ यार। मौलवी को सारा गांव रोटी बेचता है, 10 किस्म के सालन भेजता है, वो अकेला आदमी है यार, अगर मैं एक रोटी उसके साथ बैठ के खा लेता हूँ तो इसमें क्या बुराई क्या नहीं, है नहीं कोई बुराई नहीं है। मैं बुराई कोई नहीं है, सिर्फ हमें इतराज है। वो कहते हैं आप नहीं साथ लेके जाते हैं, भाई क्या करें? नहीं नहीं क्या क्या है क्या भाई, ओ भाई ओवरलैपी, ओ भाई आप मौली साहब के साथ बैठ के खाते हैं, खाने का इतराज नहीं है, वैसे इतराज है आप अकेले ही खा जाते हैं। हाँ ये बात तो है यार, कुछ बात ये यार के पता है चक्कर क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं कि तुम लोग करते हो मेरी जासूसी कि भाई मैं सुबह माजे की दुकान में नाश्ता करता हूँ, रोटी दोपहर की मैं किसी के घर खा लेता हूँ, रात को मैं मौलवी साहब के पास, ओ मौलवी साहब के पास मैं इसलिए बैठता हूँ कि वो अच्छी अच्छी बातें मुझे बताते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चौधरी साहब कभी अपना खर्चा भी तो कर लिया करो,
यार बात ये है कि वो मौके ही नहीं कभी मिला यार। अच्छा अच्छा हाँ, वो मौके नहीं मिलता अपना खर्चा करने का मौका नहीं। जाहिर है यार, वो देखो ना बेचारे गांव के लोग हैं, जिसके घर से गुजरता हूँ वो कह रहा है चौधरी साहब बिस्मिल्लाह आज दो नवाले हमारे घर भी मार जाए। अब देखो ना बात ये कि किसी के खलूस को तो मिटाल नहीं बिल्कुल। मैं कहता हूँ इनकी मोहब्बत है यार, ये गाँव वाले मुझसे मोहब्बत करते हैं। अब जैसे ये इसको ये एतराज है, कहते हैं जी कि आपकी बीवी आपको रोटी नहीं देती। वो क्यों नहीं देती हो रोटी? मैं तुम्हें किससे कहा? नहीं मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा चोई साहब। मैं ये कह रहा ना, ये जिसने भी नहीं कहा, इसने बताया था जी, इसने बताया, इसने बताया। अब तूने क्या बताया, क्या बताया? मैंने बताया, खुद ही लगे हुए हैं। अल्लाह करे मेरा दिमाग खराब है, ये दोनों आपस में, ये तो आपको मारने का प्लान भी बना रहा है। ओए बकवास करने की जरूरत नहीं है। नहीं चोरी साहब, नहीं चोरी, उठता नहीं, चलो इधर कहीं उधर खाता है, हमारे घर भी खाए, जहर डालें और खाएं बस। ये चोरी साहब उधर ही पड़े, पता नहीं फलाने घर से रोटी टमकाने, ये प्रिंट में आपको बदनाम करना चाहते हैं चोरी साहब। नहीं नहीं वो ठहरो काम में, ठहरो चोरी साहब, बात ऐसी कोई नहीं है। आप हमारे माई बाप है, ये तो आपको भड़का रहा है। तू कौन है? दोबारा नौकरी कर ली तूने? आपको भड़काना, हम आपका नमक खाते हैं, हम क्यों आराम करें, लाल ही करेंगे। नमक मेरा नहीं खाता, ये गाँव वालों का। ये दे इंसान का बचा बार ये, इसको ये ठीक कर दो चौधरी साहब। हाँ इसकी जगह कुछ चूचा रख लेते ना, और सर्दियों में उसकी यखनी तो पीते। और एक दिन में यखनी पीनी यार, ये बात नहीं है, बात ये नहीं है, बात ये कि यार ये बहुत अच्छा है, उसकी वजह एक फायदे बहुत है। क्या फायदे हैं? अब देखो पहला फायदा तो ये है कि गाँव में कुत्ता कोई नहीं रहा, कुत्तों को क्या किया, छोड़ गए गांव, डर गए और डर गए इसको देख के, इसलिए मुझे शक पड़ता है। सिर्फ दो रह गए, देखे चोले नहीं, नहीं ये बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहे, नहीं ये बुरी बात, बदतमीजी नहीं, हाँ नहीं नहीं बदतमीजी नहीं, वैसे मुझे ये शक पड़ता है, इसलिए मैं कहता हूँ यार इसके साथ को बदरू है, मानो इस बात को। चौधरी साहब ये खुद ही बदरू है, छोड़े ये बात भी सही है। अच्छा चौधरी साहब बदरू ये है, आपको बोल रहे हैं चौधरी साहब बदरू? नहीं नहीं मुझे नहीं बोल रहे यार, वो इशारा तुम्हारी तरफ है। इसी खुशी में एक गाना गाते हैं जी, तुम सुनाओगे? हाँ क्यों, अरे हाँ सुनाओ, सुना फिर उसके बाद चाय पीने जाएंगे चौधरी साहब? चौधरी साहब ओ यार चले जाएंगे यार, चाय की बड़ी फिक्र रहती है तुम्हें यार। चौधरी साहब जब चले जाएंगे ना यार, चाय भी पी लेंगे, जब से आए हैं कब चाय नहीं पिया हमने। नहीं नहीं बात पता है क्या, आज घर में कोई भी नहीं है ना। अच्छा हाँ घर वाले गए हुए हैं दूसरे गाँव। नहीं नहीं अगर वो होते ना तो मैं लाजमन तुम्हें चाय पिलाता। अगर घर में कोई नहीं तो फिर चाय पीने घर नहीं जाएंगे। नहीं 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 वो हजम नहीं किया, वो चलेंगे उधर होटल में चाय पिएंगे आराम से बैठ के, होटल पे पी लेंगे। चौधरी साहब एक बात और है, हम आपके घर से खाएंगे ना तो हमें हजम नहीं होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से माल आया हुआ है आपका। दो जी अब तू मेरे घर में हराम का पकता है क्या? नहीं मजाक कर रहा हूं, ये आप ये बना रहे मंसूबा बंदी, आपके त्रोपो गंडा कर रहे हैं ये दोनों। मजाक कर रहा है, गाना सुनाएगा अभी, गाना सुनाएगा, गाना जी गाना, मतलब ये कि मेरा गुस्सा जो है उसे ठंडा कर रहा है। नहीं बिल्कुल, आप माई बाप है, आप दोनों हाथों से सलाम है आपको। सुनाओ गाना जी चो साहब, गाना गाऊं मैं? हाँ सुनाओ ना यार, इजाजत है? हाँ हाँ बिल्कुल इजाजत है। तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, वे बेईमाना वे बेईमाना वे हर जाई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, किथे ने ओ शामा किथे गए ओ सवेरे वे, पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे वे। अच्छा एक बात है, गाना तुम गा रहे हो, डांस वो कर रहा है यार, ये मुझे मुझे शक हो गया है। किस बात का? वो गड़बड़ है ये, और क्या, ये हमेशा ये करता है यार। नहीं वैसे इसको शौक है डांस का, शौक है हाँ। पांडा ठीक है, और तो किसी चीज का शौक नहीं है। नहीं बस वो तालियां बजाने का, सिर्फ डांस करने का, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा अच्छा, वो यार टाइम हो गया। हाँ जी, वो क्रीमी ने कहा था कि शाम को आना मेरी तरफ चाय पी। चाय भी तो चाय के साथ होती है, चाय जरूर पियेंगे। बिस्किट भी, बिस्किट भी। मैं एक रस खाने ने और चाय दो कप लेने ने, क्यों अद्धी चाय का रस
यार वो देखो करीमू ने बेचारे ने बड़ी मोहब्बत से कहा था, चलो जी चलो शाम को आ जाना, चलो चौधरी साहब ठीक है, चलो जी उठो तशरीफ रखो, उठो तशरीफा तशरीफा चुको, चलो जी आए जूठी सीधी कार चौधरी साहब दी, बाजी 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 चलो जी आए।